हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग पाइथन कोड की मदद से आप लोग अपने लिए डिक्शनरी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन में डिक्शनरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल का नाम है पाई डिक्शनरी। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले टर्मिनल में जाएंगे और वहां जाकर लिखेंगे pip install pydictionary। तो मैं यहां पर लिख देता हूं pip install pydictionary। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपका मॉड्यूल यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इस मॉड्यूल को पहले से इंस्टॉल कर रखा था, इसीलिए मुझे यहां पर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जब आप फर्स्ट टाइम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा डाउनलोडिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर जैसे ही आपका ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाई डिक्शनरी। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना है, पी कैपिटल में रहेगा और डी कैपिटल में रहेगा। फ्रॉम पाई डिक्शनरी इम्पोर्ट पाई डिक्शनरी, फिर उसी तरह आपको लिखना है पी कैपिटल में और डी कैपिटल में। इस तरह आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। अब सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है, पाई डिक्शनरी क्लास का एक इंस्टेंस बनाना है। तो मैं इंस्टेंस किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डिक्ट नाम से। डिक्स नाम से इंस्टेंस बना दिया पाई डिक्शनरी क्लास का। तो सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है, ये पाई डिक्शनरी क्लास का ये एक इंस्टेंस बना दिया डिक्ट नाम से। अब थर्ड लाइन में आपको यूज़र से इनपुट लेना होगा। तो एक वेरिएबल बना लीजिए किसी भी नाम से, मैं यहाँ पर आर्क्स नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इनपुट फंक्शन लगाऊंगा जिससे मैं यूज़र से इनपुट ले सकूँ। इसके अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ व्हाट डू यू वांट टू सर्च, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू सर्च। इतना आप यूज़र से पूछ लीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हमारी होगी थर्ड लाइन। अब फोर्थ लाइन में जो हमारी लास्ट लाइन होगी, फोर्थ लाइन में आपको लिखना है प्रिंट। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये डिक्ट लिखना है जो आप पाई डिक्शनरी क्लास का इंस्टेंस बनाए, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिक्ट नाम से इंस्टेंस बनाया है तो मैं यहाँ पर डिक्ट लिखूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। डिक्ट लिखने के बाद डॉट लगाएंगे, फिर मीनिंग फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर। ये डिक्ट डॉट मीनिंग फंक्शन, ये हमारा मीनिंग फंक्शन होता है पाई डिक्शनरी में। इस मीनिंग फंक्शन के अंदर हमने जो यूज़र से इनपुट लिया था उसका वेरिएबल डालना है इसमें। तो हमने ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया था आर्क्स नाम से, तो मीनिंग फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर आर्क्स लिख देंगे। तो बस इतना ही हमारा चार लाइन का कोड होता है, इसमें हमारा डिक्शनरी बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमसे सबसे पहले पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू सर्च। तो ये देखिए हमसे ये पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू सर्च। अब मैं यहाँ पर कुछ भी जो भी हमें डिक्शनरी के अंदर सर्च करना है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बाइक, बाइक को मुझे डिक्शनरी में सर्च करना है। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये बाइक की सारी मीनिंग हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी मीनिंग यहाँ पर बाइक की आ गई है। अ मोटर व्हीकल विथ टू व्हील्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेम, जितनी भी इसकी मीनिंग होगी वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको फिर से यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ एक बार और। अब कि मैं डिक्शनरी के अंदर सर्च करना चाहता हूँ होम, होम लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो इसकी हमें मीनिंग यहाँ पर मिल जाएगी। वेयर यू लिव अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी इसकी मीनिंग होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह आप एक सिंपल सी डिक्शनरी को बना सकते हैं अपने पाइथन कोड की मदद से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।